इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की तीसरी बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान हुआ। कमेटी में कुल 14 मेंबर होंगे, जिसमें एक सीएम, एक डिप्टी सीएम, दो पूर्व मुख्यमंत्री, 5 राज्यसभा और 2 लोकसभा सांसदों को जगह दी गई है। सीपीआईएम के सदस्य के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा लेफ्ट के 2 नेताओं को कमेटी में शामिल किया गया है। और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। भयमुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता किया, लेकिन बीच में 1000 रुपया महंगा किया, मतलब 5 साल लूट और इलेक्शन के वक्त छूट। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी 100 रुपए बढ़ाते हैं और 2 रुपए कम करते हैं। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूँ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश की विभिन्न पार्टी के नेता अलग अलग बैठे थे, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। आज देश की माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा जिसको ईडी में, सीबीआई में ये ना फंसाया हो, सबको फंसा कर। हम लोग डरने वाले नहीं है, हमने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, हम काफी, मेरा हौसला मजबूत है कि हम रहेंगे और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है, ये सरकार बेहद भ्रष्ट और अहंकारी है। अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। बैठक में गठबंधन के लोगों पर सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए इसे तीसरी बैठक में लॉन्च नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।